यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या रीजन है कि सभी लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और बहुत सारे आने वाले टाइम में अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि काफी बढ़िया बढ़िया आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो यार आज की डेट में अगर मैं बात करूं यमुना एक्सप्रेसवे के, तो एक ऐसा हॉटस्पॉट पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का कि आप यकीन नहीं मानोगे। यहाँ पे मतलब ये है कि अब प्रॉपर्टी कम है और इन्वेस्टर ज्यादा है, आप ये मान के चलिए। सो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी हॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि सेक्टर 22D के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एस ग्रुप का, एस YXP नाम से, जो कि सेक्टर 22D के अंदर आपको देखने को मिलता है। और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट ये लॉन्च है जो कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको हाई स्ट्रीट शॉप्स एंड कॉमर्शियल में अगर आप देखा जाए तो स्टूडियो अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 22D में आपने भी देखा होगा ETS एल्योर का प्रोजेक्ट है और ग्रैंड ओसिस का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता होगा। जब आप ग्रेटर नोएडा से लेकर आप आगरा की साइड आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते होंगे तभी आपको राइट हैंड पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर गौर के सामने भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कि सेक्टर 18-20 का डिवाइडिंग रोड है, सेक्टर 18-20 वाला जो मेन डिवाइडिंग रोड है उसके आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के, तो उसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट जो नया लॉन्च किया गया है एस YXP नाम से, जो कि हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ये बनाया गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर लोअर एंड अपर ग्राउंड फ्लोर की अगर शॉप्स की बात करूं तो दोस्तों इसमें साइज जो है वो 600 से लेके 800 स्क्वायर फीट का आपको साइज इसमें देखने को मिलेगा। रेट भी मैं एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन इसमें लॉन्चिंग इसकी प्रोजेक्ट की हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट मंथ यानी जनवरी में ही स्टार्ट हो गया था। इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होना था वो भी स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके मैं पजेशन की बात करूं तो दोस्तों ये मार्च 2027 में ये कमिटमेंट करते हैं कि मार्च 2027 तक हम अपना यहां पर दे देंगे। लेकिन अभी ये वैसे तो प्रोजेक्ट अभी कई पार्ट में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी इसका जो पहला फेज स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल में, क्योंकि आसपास आपको भी पता है ज्यादातर जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सेक्टर 18-20 के अथॉरिटी प्लॉट्स हो या फिर गौर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो, जैसे कि गौर में अगर आप देखोगे तो फ्रंट पे टोटल कमर्शियल ही बनाया है उन लोगों ने, तो आने वाले टाइम में आसपास इन्हीं प्रोजेक्टों के अंदर आपको बढ़िया कमर्शियल स्ट्रीट आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसी वजह से इसी तरीके से डिजाइन करते हुए इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो अभी ये 4 एकड़ के अंदर टोटल यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है जो कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप एंड स्टूडियो अपार्टमेंट अभी करंटली आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की बात करूं तो दोस्तों यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 75 लाख रुपीज से लेकर और 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ तक का भी आने वाले टाइम में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो लोकेशन काफी बेहतरीन लोकेशन है, नियर बाय का प्रोजेक्ट है जो ATS का ऑलरेडी यहाँ पे पजेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें हाई राइज अपार्टमेंट बने हुए हैं तो उसमें पजेशन स्टार्ट है और फैमिलीज वगैरह उसमें भी आना स्टार्ट हो गई है। तो काफी प्रीमियम लोकेशन है, लोकेशन की कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको भी पता है कि चाहे सेक्टर 18-20 की लोकेशन हो चाहे सेक्टर 22D की लोकेशन हो, ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर बाय की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। और आज की डेट में आपको जिस हिसाब का बहुत सारे कमेंट भी मुझे इस तरीके से आ रहे थे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और फोन कॉल्स भी काफी आए थे कि भाई आज की डेट में अगर देखा जाए तो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट जो गौर यूनिवर्सिटी है जो कि उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पर वो अभी लॉन्च हो रहा है, तो आप यकीन करोगे कि वो कमर्शियल स्ट्रीट लॉन्च जो कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ अभी कमर्शियल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये प्रोजेक्ट आपको आज की डेट में इतना महंगा लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद अगर आप 10 साल बाद या 15 साल बाद जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसका 2 गुना 3 गुना रेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है आज की डेट में अगर इस प्रोजेक्ट का जो भी कम से कम मुझे लगता है कम से कम 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका जो रेट है वो लॉन्च किया गया है, लेकिन आप इसमें अगर आप देखोगे तो आज की डेट में कोई खास ज्यादा ये रेट नहीं है। अगर आप गौर यूनिवर्सिटी के अंदर आज की डेट में आप रिसेल में भी अगर जाते हो तो कम से कम 30,000 से 35,000 रुपए स्क्वायर फीट का शॉप्स का या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी महंगा गौर भी हो गया है आज की डेट में। लेकिन अगर ये लॉन्चिंग इतने से कर रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही इसका पजेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 2027 के अंदर इसका पजेशन होना है, तो पजेशन के टाइम पे ऑलमोस्ट इसका भी जो रेट है वो डबल जंप ही करेगा ऑलमोस्ट 3 या 5 साल के अंदर। आप मैक्सिमम अगर देखोगे तो इसके अंदर ही आपको कम से कम डबल रेट यानी डबल रिटर्न तो 100% देगा ही देगा। अगर वैसे अगर मैं रेट इसका रेट का अगर मैं कमिटमेंट अगर देखूं तो जो एस YXP प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 18% तक का रिटर्न ही आपको
टिल पजेशन तक आपको 100% गारंटेड है, आपको इतना रिटर्न तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ये रहने वाली है, तो आप इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लोकेशन का आपको पता ही है, यमुना एक्सप्रेस वे पर जो आसपास का डेवलपमेंट है वो काफी बढ़िया चल रहा है। नियर बाई जो है वो एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्री सेक्टरों में भी काफी अच्छा चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट को ही क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि ये देखिए आप ATS का प्रोजेक्ट भी है जो कि फुली रेजिडेंशियल, कोई भी कमर्शियल नहीं है उसके अंदर। ग्रैंड ऑफिस है उसके अंदर भी कोई कमर्शियल नहीं है, और उसके नियर बाई में यूनिवर्सिटीज भी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भी। और फिर अगर इसके बैक साइड में थोड़ा सा अंदर चलेंगे सेक्टर 22D की तरफ आपको, तो यहाँ पर आपको वीवो, पतंजलि, ये सारी इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी आने वाले टाइम में जैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और मौके पर यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो काफी ग्रोइंग प्रॉपर्टीज को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस से बिल्कुल लगी हुई लोकेशन है, तो बढ़िया लोकेशन है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी लोकेशन बहुत काफी प्रीमियम लोकेशन ही भविष्य में बन जाएगी, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मेट्रो की लाइन भी अगर देखी जाएगी, जो कि जेवर एयरपोर्ट के लिए मेट्रो जाएगी दिल्ली से, वो भी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इसके सामने से ही होकर के जा रही है, जो कि लेफ्ट वाले एरिया से जाएगी, वैसे तो गोर के सामने थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया मेट्रो की स्टेशन से इसकी बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी वॉक इन डिस्टेंस पर हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी के मामले में यमुना एक्सप्रेस वे, मेट्रो की कनेक्टिविटी और इसका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी आपकी बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इनफैक्ट जो 31 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे नया बन रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है, उससे भी इसकी लोकेशन काफी नियर बाई रहेगी, तो काफी बढ़िया और प्रीमियम ये लोकेशन इसका होने वाली है। तो आप डेफिनेटली आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। देखिए हाई स्ट्रीट मॉल है, मॉल के अंदर आपको भी पता है जिस हिसाब से जब यहाँ पर पूरा डेवलप हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली रेंट भी इसका काफी अच्छा आएगा। और आसपास इसमें अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट, अगर आपको मैंने बताई दिया कि सेक्टर 22D में अभी पहले सेक्टर 18-20 और लेफ्ट वाले एरिया पे अथॉरिटी ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, तो सेक्टर 22D के अंदर भी आपको काफी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट नए नए आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भविष्य में आने वाले हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। और बाकी इसमें रेट वगैरह या फिर कोई भी एडिशनल जानकारी आप चाहते हैं, तो आप इसकी एज ग्रुप की वेबसाइट पर भी आपको कंप्लीट जाकर डिटेल आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और आप ब्रोशर वगैरह के लिए उसके लिए आप डेफिनेटली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही एक्सप्लोर करना था आज की डेट में, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई कोई भी अगर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आए या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आता है तो आप डेफिनेटली अपडेट करिए। तो मैंने कोशिश यही करी है कि भाई इस वीडियो के माध्यम से ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि किस टाइप के प्रॉपर्टी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस टाइप की अभी यहाँ पे नई लॉन्चिंग होने वाली है। सो दोस्तों आज की वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको अवेयर करना था कि सेक्टर 22D के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ही लॉन्च किया गया है, तो उसके अंदर आप डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।